आपका स्वागत है इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको मल्टीपल सर्वर्स मॉनिटर करना है तो उस केस में आप कैसे उसको मॉनिटर करोगे और क्या डैशबोर्ड बनाओगे, क्या क्वेरी लिखोगे, क्या सिलेक्शन करोगे, उन सब से रिगार्डिंग। तो अब तक हमने क्या किया था, हमने ये एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बनाया था जिसमें कि हम लोग सिंगल सर्वर के जो सारे पैरामीटर्स हैं, मैट्रिक्स हैं, वो सब दिखा रहे थे। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो दो और सर्वर्स पे टेलीग्राफ इंस्टॉल कर दिया है तो वो सब भी अपना जो डेटा है वो यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। और उस केस में हमें क्या करना है कि लेट्स से हम एक पैनल क्रिएट करते हैं और हम इसमें जो है सेम जो क्वेरी हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ की थी सेम हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम जो है मल्टीपल जो सर्वर्स हैं उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको याद होगा, हम गए थे सेलेक्ट मेजरमेंट में, हमने सेलेक्ट किया था सीपीयू और फील्ड वैल्यू में हमने सेलेक्ट किया था, हम यूसेज सिस्टम दिखा रहे थे तो हमने यूसेज सिस्टम सेलेक्ट किया था। और यहाँ पे हम लोग गए थे पैनल में, हमने थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया था, हमने यहाँ पे डिस्प्ले में जाके जो था जो विद ओनली आई एम सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग गए थे डिस्प्ले में हमने क्या करना है कि जो नल वैल्यूज़ हैं उसको हमें दिखाना है एज़ कनेक्टेड। ओके, तो हमारा ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इस टाइम पे मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो ये क्या कर रहा है, हमें जो सभी सर्वर्स का कंबाइन करके दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सर्वर बाय सर्वर चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, ग्रुप बाय में जाना है, ग्रुप बाय में आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है टैग होस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये देखो इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हमारे जो तीन सर्वर थे, पहले जो सर्वर था जिस पे हम लोग पहले प्रैक्टिस कर रहे थे उसका नाम था IT Panther 01, उसके बाद जो दो और सर्वर हैं IT Panther 02 एंड IT Panther 03, इस पे भी मैंने टेलीग्राफ इंस्टॉल कर दिया है तो उनका भी डेटा जो है अब यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे तीन लाइन बन गई है। ठीक है, और तीनों लाइन में जो तीनों सर्वर का डेटा दिखा रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हम चाहते हैं कि आप देख रहे होगे यहाँ पे दिखा रहा है CPU.mean लिखा हुआ रहा है हर चीज़ के आगे, तो जैसे हम ये CPU.mean नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं जो एक्चुअल होस्ट नेम है सर्वर का सिर्फ वही दिखाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एलियास बाय में जाना है और यहाँ पे करना है $tag_host और दैट्स इट। उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखोगे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो होस्ट नेम है वो दिखा रहा है और यहाँ पे जो आपको ग्राफ में सभी जो होस्ट हैं यानी कि सर्वर नेम है उन सबका यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। अब सबसे पहले तो इसका जो नाम चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे तो ये ऑल सर्वर्स हैं तो इसको अभी के लिए ऑल सर्वर्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो यहाँ पे ये दिखा रहा है ये लेजेंड है, तो मैं आपको थोड़ा सा और इसमें दिखाने लगा हूँ विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले एक बार इसको जस्ट अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी देखें इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है, इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का जो है हमारा सीपी यूटिलाइजेशन का दिख रहा है। अब बिफोर हम मूव ऑन करें, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप नोटिस करोगे, जब भी आप ऐड पैनल पे क्लिक करते हो, तो ऐड पैनल पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आती है ऐड न्यू पैनल की और आपके पास ऑप्शन आती है कन्वर्ट टू रो की। ठीक है, तो कन्वर्ट टू रो क्या है, कन्वर्ट टू रो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। जैसे हमने क्लिक किया कन्वर्ट टू रो पे, अब आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई है रो टाइटल। तो यानी कि क्या हुआ, जितने भी आपके पैनल्स थे वो अब इस रो का पार्ट बन गए हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ या जो मैं इसको बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ या इसको हटा सकता हूँ, तो उसके बेसिस पे हमें जो है ये जो डैशबोर्ड्स जो भी पैनल्स हैं उस रो के अंदर वो सारे दिखाएगा। अब पहले तो ये जो टाइटल है इसको चेंज कर लेते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए सेटिंग्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो रो टाइटल इसको हम नाम देना चाहते हैं, जैसे हम इसको नाम देना चाहते हैं समरी। यूजली मैं क्या करता हूँ, जो पहला रो होता है उसमें मैं समरी रखता हूँ और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपडेट। ठीक है, तो पहला जो है वो समरी होता है और उसके बाद जो डिटेल व्यू है वो मैं उसको नेक्स्ट रो में बनाता हूँ। तो मैं इस टाइम पे क्या करूँगा, जैसे हम इसको बोलते हैं समरी सिंगल होस्ट और इसको अपडेट कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं इसको जो है मिनिमाइज़ कर लेते हैं। एक हम फिर से क्लिक करते हैं ऐड पैनल पे और इसको फिर से बोलते हैं कन्वर्ट टू रो और ये नए वाला जो रो टाइटल आया इसको हम लोग नाम दे देते हैं। इस टाइम पे हम जैसे इसको बोलते हैं समरी एंड बोलते हैं मल्टीपल होस्ट। ठीक है, और इस पर फिर से हम क्लिक करते हैं अपडेट पे। अब आप देखोगे कि जो दोनों को एक्सपेंड करते हैं तो देखोगे मल्टीपल होस्ट वाले में अभी जो है कोई भी
पैनल वगैरह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा पैनल है मैं इसको टाइटल से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इस वाले रो के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो समरी है सिंगल होस्ट वाली, इसको मैं जो हाइड कर लेता हूँ ताकि जो आपको ठीक से दिखे। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे इसी वाले पे, यानी कि समरी मल्टीपल होस्ट वाले पे। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे फिर से इसको एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं एडिट और जाते हैं यहाँ पे जो अदर डिटेल्स में आपको दिखाने लगा था विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मल्टीपल सीपीयूज़ की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एवरेज यानी कि मीन, हम एवरेज देख रहे हैं यहाँ पे हर सीपीयू का कि कितना यूटिलाइजेशन है। अब लेसे जो यूटिलाइजेशन है वो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ कि मिनिमम यूटिलाइजेशन कितना था और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना था। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप डिस्प्ले जो देख रहे हैं डिस्प्ले से स्क्रॉल डाउन कीजिए या इसको आप हटा दीजिए, और हमें जाना है एक्चुअली लेजेंड्स में। तो लेजेंड्स को ये यहाँ पे देखेंगे, अब डिस्प्ले से नीचे आ रहा है सीरीज ओवर राइड्स एक्सिस एंड लेजेंड्स, और लेजेंड को एक्सपेंड कीजिए और यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आ रही है जो कि बोल रहा है मिन मैक्स एवरेज। ठीक है, तो मैं अगर मिन को इनेबल करूँ तो आप देखोगे हर जो सर्वर नेम था उसके साथ में जो मिनिमम वैल्यू है वो भी दिखाने लगा है। अब इसको अगर मैं मैक्स पे क्लिक करूँ तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है हर सर्वर का। ठीक है, और ऐसे ही मैं एवरेज भी दिखा सकता हूँ, ऐसे ही मैं करंट भी दिखा सकता हूँ, और ऐसे ही मैं टोटल यूटिलाइजेशन भी दिखा सकता हूँ। मगर दोस्तों एक चीज़ आप देखोगे कि अभी ये जो है अब क्या हो रहा है, ये जो सर्वर वन और सर्वर टू तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, सर्वर थ्री यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये जो देखने में उतना ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ टेबल। तो यहाँ पे एज अ टेबल जो अभी डिसेबल्ड है इसको इनेबल कर देते हैं। अब आप देखोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपके सारे होस्ट नेम्स दिखा रहा है और यहाँ पे जो है उनकी वैल्यूज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपको तीनों होस्ट नेम्स दिखा सके। यहाँ पे आप देखोगे तीनों होस्ट नेम दिखा रहा है और यहाँ पे उनकी मिनिमम मैक्सिमम एवरेज यूटिलाइजेशन करंट यूटिलाइजेशन एंड टोटल यूटिलाइजेशन वगैरह है वो सब दिखा रहे हैं। तो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी के लिए इस पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक इस डैशबोर्ड में हमने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया है, अब हम लोग इसको जो है मूव ऑन करते हैं, हम लोग एक नया डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। जस्ट उससे पहले जो ये जो लेजेंड है ये अभी दिखा रहा है यहाँ पे डाउन में, इसको आप अगर चाहो तो राइट साइड में भी दिखा सकते हो। उसके लिए जस्ट क्विकली एक बार आपको दिखा सकता हूँ कि आप लोग एडिट करो, एडिट पे जाओ, उसके बाद लेजेंड में जाके यहाँ पे जो टू द राइट है इसको इनेबल करो और आपका ये जो टेबल है वो राइट साइड में दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस वे में आपको बेटर लग रहा है, उस हिसाब से आप जो है इसको दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसको नीचे दिखाना अच्छा है तो आप नीचे रख सकते हो, अगर साइड में दिखाना अच्छा है तो आप इसको साइड में रख सकते हो। अब जैसे इसको सेव कर देते हैं और हम चलते हैं प्लस पे, जाते हैं डैशबोर्ड पे, क्रिएट करते हैं एक नया डैशबोर्ड। ठीक है, इस डैशबोर्ड में हम लोग सीखेंगे वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं और वेरिएबल यूज़ करके आप जो है बहुत ही डायनेमिक डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। तो क्लिक करते हैं ऐड न्यू पैनल पे, ऐड न्यू पैनल पे और जाते हैं यहाँ पे हम लोग फ्रॉम में सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से हम लोग दिखाना चाहते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेमोरी और हम लोग लेट्स से यहाँ पे जाते हैं परसेंटेज यूज्ड। ठीक है, तो यूज्ड परसेंटेज, ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया यूज परसेंटेज। अब यहाँ पे यूज़ परसेंटेज में आप देखोगे कुछ वैल्यू आ रही है, बीच में डेटा नहीं है क्योंकि मैंने सर्वर इस टाइम पे बंद कर दिया था, इसलिए इस टाइम पे कोई भी डेटा नहीं है। एनीवेज हम इसको लास्ट 6 आवर्स की जगह लास्ट 15 मिनट्स कर लेते हैं ताकि जो है हमें डेटा प्रॉपरली दिखाए। और अब मैं ये क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो अगेन आपको याद ही होगा कि हम जो हमने इसकी जो वैल्यू है विद ओनली विद सॉरी हमें जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाके हमें क्या करना है, जो नल वैल्यूज़ है उसको हम कर देंगे कनेक्टेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे जो हमें दिखा रहा है सर्वर्स की वैल्यू दिखा रहा है, हम इसको जो है सभी सर्वर का यहाँ पे कंबाइंड दिखा रहे हैं, हम इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं टैग होस्ट से, और जैसा कि आपने पहले ही सीखा था ये अब इसने होस्ट वाइज ब्रेक डाउन कर दिया है, हम इसको क्विकली टैग होस्ट लिख देंगे ताकि यहाँ पे सब सर्वर का दिखाए इंडिविजुअली। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं या तो मैं सिंगल सर्वर का दिखाऊं या मल्टीपल सर्वर्स का दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है दो तीन ही सर्वर है, तो उस केस में तो आपको ये प्रॉपर लग रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप 50 या 100 सर्वर मॉनिटर कर रहे हो तो उस केस में आपको
मे भी हो सकता है आप ट्रबल शूटिंग के लिए सिर्फ एक या दो सर्वर ही सेलेक्ट करना चाहो, उनका डेटा देखना चाहो, ठीक है, डायनेमिकली। हो सकता है कोई बंदा जो है वो सिर्फ दो जो सर्वर का डेटा देखना चाहे, कोई हो सकता है सबका देखना चाहे, कोई हो सकता है पाँच का देखना चाहे, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे एक्चुअली डायनेमिक टाइप का क्रिएट कर सकते हैं डैशबोर्ड? तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें यूज़ करना होता है पैनल। तो हम लोग सॉरी हमें यूज़ करना होता है वेरिएबल। तो उससे पहले लेकिन मैं पैनल को जो है रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सी पी यूटिलाइजेशन, और हम लोग इसको कर लेते हैं अप्लाई पे क्लिक। अब ठीक है, अब आपको जाना है, आपको सेम डैशबोर्ड पे ही रहना है, और आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड सेटिंग की ऑप्शन आ रही है इस पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन वेरिएबल की, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और वेरिएबल्स में आपको क्लिक करना है ऐड वेरिएबल पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो एक क्वेरी क्रिएट करनी है जो कि जितने भी होस्ट नेम्स हैं वो दिखाएगा। तो जस्ट आपको क्विकली बता देता हूँ कि अगर आपको इन्फ्लक्स डीबी पे आपको अगर क्वेरी चाहिए कि जो कि जितने भी होस्ट नेम आप मॉनिटर कर रहे हो वो सारे होस्ट्स की लिस्ट दिखाए, तो उसके इसके लिए आपको करना है ऑब्वियसली आपको जो है CLI पे लॉगिन करना है, फिर टेलीग्राफ डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये क्वेरी लिखनी है, शो टैग वैल्यूज़ फ्रॉम CPU विद की इज़ इक्वल टू होस्ट, और यहाँ पे एंटर मारोगे तो आप देखोगे जितने भी इसने अभी तक होस्ट मॉनिटर किए थे वो सारे होस्ट की लिस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो पहले तीन होस्ट है ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये मैंने टेम्परेली मॉनिटरिंग के लिए लगाया था, लेकिन अभी हम सिर्फ जो है ये तीनों होस्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी है ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये वेरिएबल क्रिएशन के टाइम पे। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले वेरिएबल क्रिएट, हम लोग यहाँ जब आप वेरिएबल क्रिएशन पे जाते हैं तो आपको एक नेम बताना होता है कि इस वेरिएबल को आप किस नेम से रेफ़र करोगे। तो हम जैसे हम इसको बोलते हैं सर्वर्स, ठीक है, और यहाँ पे टाइप में रहेगा क्वेरी, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। लेबल अगर आप चाहो तो लेबल में कुछ और डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल नेम में तो आप सर्वर्स बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है लेबल में आप बोलना चाहते हो कि सेलेक्ट अ सर्वर, ठीक है, सर्वर, और ऐसे में ब्रैकेट में सर्वर्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो यूज़र जो है उसको ये मैसेज दिखेगा। अब जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ जो क्वेरी आपको नीचे दिख रहा है क्वेरी ऑप्शन में क्वेरी, यहाँ पे हमें वो सेम क्वेरी डालनी है जो कि हमने वहाँ मैंने आपको दिखाया था इन्फ्लक्स कमांड लाइन इंटरफेस पे चला के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैंने क्वेरी डाला और मैं कहीं और सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे जो है प्रीव्यू ऑफ वैल्यूज़ में वो सारी वैल्यू आ गई है जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो ये जितने भी होस्ट नेम दिखा रहा था वो सारे होस्ट नेम अब यहाँ पे आ गए हैं वेरिएबल्स की वैल्यू में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लिया, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गो बैक पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे सर्वर, यहाँ पे सेलेक्ट सर्वर जो हमने लिखा था लेबल वो आ गया है, और यहाँ पे जो सारे जो भी अपने सर्वर नेम्स है वो सारे दिखा रहा है, ठीक है। और मैं जैसे कोई कोई भी मतलब मैं सर्वर सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये जो नीचे वाला सीपी यूटिलाइजेशन का डैशबोर्ड है वो इसकी वैल्यू के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने सीपी यूटिलाइजेशन का जब पैनल बनाया था उस टाइम हमने कुछ भी नहीं बताया था कि क्या कौन सा वेरिएबल हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीपी यूटिलाइजेशन पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है वेरिएबल नेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम में जो आप देखोगे फ्रॉम के साथ एक वेयर क्लॉज भी है, तो वेयर क्लॉज में आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है होस्ट, ठीक है। और होस्ट में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बोला है होस्ट इक्वल टू सेलेक्ट टैग वैल्यू, तो हम लोग टैग वैल्यू में क्या करेंगे, टैग वैल्यू में हम लोग ये वाला जो वेरिएबल नेम आपने क्रिएट किया था, अगर आपको याद है तो वेरिएबल नेम हमने क्रिएट किया था, वहाँ पे हमने नेम दिया था सर्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ग्रफाना आपको ऑलरेडी वो चीज़ बता रहा है कि ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो आप, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है, अब ये जो है आपकी क्वेरी वो बन गई है डायनेमिक, डायनेमिक इन द सेंस अब यहाँ पे आपने कुछ भी फिक्स नहीं किया है, आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो वाली वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी बैकएंड में, ठीक है। आपको फ्रंट एंड में सिर्फ सर्वर्स लिखा हुआ दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या हो रहा है कि मैं सर्वर टू की जगह मैं सर्वर थ्री सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे, अब देखो आप ये जो डेटा दिखा रहा है ये सर्वर थ्री का डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे होस्ट नेम ITPanther03 दिखा रहा है। इसको अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं ITPanther01 सेलेक्ट करता हूँ तो ये ITPanther01 का सीपी यूटिलाइजेशन दिखाने लगता है मुझे, और अगर मैं ITPanther02 सर्वर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ITPanther02 का जो है दिखाने लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्वर सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो ऑप्शन आपको इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उस टाइम पर हमें बताना पड़ता है कि हम मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमने नहीं बताई थी। तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को एडिट करने के लिए फिर से जाएंगे सेटिंग्स पे,
सेटिंग्स, और फिर से हम क्लिक करेंगे वेरिएबल्स पे, और हमने कौन सा वेरिएबल बनाया था, हमने वेरिएबल नेम बनाया था सर्वर्स, तो हम लोग फिर से इस पर क्लिक करेंगे और ये हमें ले जाएगा वेरिएबल एडिट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद आप लोग चेक करोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑप्शंस में लिखा हुआ है मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं। इसको जब आप इनेबल करोगे तो इनेबल करोगे और अपडेट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद फिर से जाते हैं गो बैक। गो बैक के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने देगा, जैसे आपको आईटी पैंथर 012 सेलेक्ट करने दे रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो आपको दो सर्वर का डेटा बता रहा है, ठीक है, 01 का भी 02 का भी। सिमिलरली मैं अगर चाहूँ तो मैं 3 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी भी यहाँ पे एक चीज़ जो है दोस्तों वो मिसिंग है, वो है ऑल सर्वर्स, ठीक है। अगर जैसे मेरे को कुछ 10 या 15 सर्वर का डेटा एक साथ देखना है तो मैं थोड़ी ना सबको वन बाय वन सेलेक्ट करने बैठूंगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं ऑल, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल जो है वो नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जाना है फिर से सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स में जाने के बाद हमें जाना है सेम जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आ रही थी इंक्लूड ऑल ऑप्शंस की, तो इसको जो है हमने इनेबल नहीं किया था। मैं इसको जा रहा हूँ इनेबल करने, और इनेबल करने के बाद फिर से इस पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे जब हम गो बैक करेंगे यहाँ पे, अब आप देखोगे एक नई ऑप्शन आ गई है जो कि जिसका नाम है ऑल। तो अब मैं इन सबको हटा के मैं डायरेक्टली अगर मुझे सबका सब सर्वर्स का डेटा देखना है तो मैं बस ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ, और उस केस में ये मुझे सबका डेटा दिखाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर का सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा अगर आप देखो तो ये जो पैनल है, ये पैनल आपका बन गया है डायनेमिक, यानी कि बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द वेरिएबल आप जो है वैल्यू जो आपका यानी पैनल है या डैशबोर्ड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये जो वेरिएबल बनाने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब भी आप एडवांस ग्राफाना डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हो तो उसमें हमेशा वेरिएबल्स का यूज़ करते हो। तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस सेशन के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा हम लोग कैसे और अदर जो है एडवांस फीचर जो है ग्राफाना के वो यूज़ कर सकते हैं।